व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज हम आ चुके हैं नौचौकी राजसमंद में। मैं आपको शेयर कराता हूँ, पूरे नौचौकी बताता हूँ। चलो मैं बताता हूँ आपको। ये मछलियों का डालने के लिए क्या चीज है? ये आटा, आटा से बनाया गया ना। ये दे सकते हो ये आटा से बना रहे। इसमें क्या क्या डाला हुआ आपने? कहीं नहीं डाला भाई, मैं तुम्हारे आटा, बस आटा खाली आटा खावा का आटा छोड़ दिया बस। आटा है नमक उमक मीठा मीठा? अच्छा आटा है ना, दे सकते आप। आटा से गोली बनाई गई है और चने तो हमने ले लिया है पवन ने 10 रुपये का। हाँ भाई ले जाओ, उधर से ले लिया आप। अरे नहीं आवा दे घर, आप वहाँ पे बैठो ना। पहले पहले तो आप आपसे लेंगे, आप इधर घूम रहे हो ना, वो उधर बैठे हैं। आप ही उधर बैठो जाके, वहाँ पे पहले पहले गेट पे जाके बैठ जाओ जल्दी। अच्छा अच्छा ठीक है। तो दोस्तों ये है हमारी बहुत ही प्यारी नौचौकी झील, आप देख सकते हो। यहाँ पे बनी हुई छतरी और ये अपने बहुत ही बड़ी है राजसमंद झील। और वहाँ पे शुरू हुआ है अभी, इसका उद्घाटन बाकी है। नाव अभी अभी चालू हुई नाव, आप देख सकते हो बहुत ही सुंदरता से यहाँ बना हुआ है नौचौकी पाल। तो हमको मिला भैया, आप कहाँ से आए हो भैया? सब जयपुर, जयपुर से आए। इतना दूर यहाँ पे घूमने के हिसाब से, राजसमंद झील देखने के हिसाब से कैसा लगा आपको यहाँ आके? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यू इतना कैसा लगा यहाँ? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। यहाँ पे आए हो, दूसरी जगह जाके आए हो यहाँ पे? कुंभलगढ़ हो, यहाँ पे बहुत ही जगह अच्छी अच्छी घूमने की। कुंभलगढ़ अभी नेक्स्ट जाएंगे, नाथद्वारा से आ रहे हैं। अच्छा सिन्हा जी के दर्शन के लिए द्वारका दीजी के वो अभी जाएंगे, अभी हमारा प्लान वही जाने का है। उसके बाद हम कुंभलगढ़ फोर्ट जाएंगे, कुंभलगढ़ से होते हुए सीधा हम जाएंगे जोधपुर की तरफ। व्यू और फोटोग्राफी के लिए बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया फोटोग्राफी, बहुत बढ़िया है। और आप ये व्यू भी देख सकते हैं भैया जो दिखाएंगे, बहुत ही अच्छा व्यू है, यहाँ से बहुत ही बढ़िया व्यू है। तो आगे चलते हैं, हम जा रहे हैं नीचे की ओर क्योंकि वहाँ पे मछलियों को डालते हैं दाना और मछली आएंगी ऊपर। मैं आपको बताता हूँ, देखो ये रही बहुत सारी मछलियाँ, आप देख सकते हो यहाँ पे। और ये अपनी पूरी राजसमंद बहुत ही प्यारी झील, और वहाँ से चलांग लगा रहे लड़के। लगाओ भाई चलांग, लगाओ लगाओ जल्दी जल्दी लगा दो। ये ले लिया हमने छना और हम डालेंगे मछलियों को। इधर आ, आगे रख कौन? आटा फेंक रहा है मछलियों को, जल्दी फेंक जल्दी फेंक। ये ले, हाँ फेंक। वाह यार, अब तू को तू को तब तो मेरे को तैरना नहीं आता है, मछलियाँ खा जाता है, मछलियाँ खा जाती है। तो अब हम जा रहे हैं ऊपर की ओर। ये देख, हम कर रहे हैं कसरत। ये देखिए हमारे पांडा भाई छोटे बच्चों के जैसे, पता नहीं क्या कर रहे हैं। मक्की बहुत खोदी थी तो पाव इससे सही हो जाएंगे, यहाँ से बहुत जल्द दूख रहे हैं। तो
आपका शुभ नाम? नौचोगी गाइड बंसी संत उपाधि सत्संग देवनागरी लिपि में तो मैं यहाँ 8 क्लास पढ़ा हुआ। आप जैसे मेरे संस्कृत टीचर थे, जैसे में से यहाँ का 9 चौकी का 10 मिनट का हिंदी में अनुवाद जो करके दिया, या 18-20 साल से हिस्ट्री बताना मैंने ही शुरू किया। फिर सरकारी नौकरी नहीं, मेरा पर्सनल धंधा है। 7 साल पहले मिनिमम चार्ज 30 रुपये, आज ही मेरा चार्ज 30 रुपये ही है। करोड़पति को 30 बोलता हूँ, मजदूर को मैं 30 ही बोलता हूँ, ताकि मेरे को मना नहीं करे कि ज़्यादा देने वाले अपने आप ज़्यादा। अच्छा, मेवाड़ में बोलूँगा हिंदी में? हिंदी में, यस। अपने जैसे उदयपुर उदय सिंह जी ने बसाया, उनकी छठी पिंडी छठा वंशज अपने राणा राज सिंह जी ने राज सुन, अभी उनके वंशज में राज कर रहे। प्रजा का राजा तो है नहीं, गादी और घराने के राजा है, और 16 नंबर के राजा अरविंद। मुंह लगा दो, और है बोतल मेरे पास, मुंह लगा दो। अभी अभी जो राज कर रहे, प्रजा के राजा तो है नहीं, गादी और घराने के राजा, वो 16 नंबर के राजा अरविंद सिंह जी, महेंद्र सिंह जी, उदयपुर सिटी पुलिस। इसको बने को 361 साल हुए, विक्रम संवत 300, हाँ बने को 361 साल बने को। विक्रम संवत 1718 में नींव पड़ी और 1732 में काम समापन हुआ। बने को 361 साल हुए, बनाने में इसको 14 वर्ष हो गए। राणा राज सिंह ने बनाया तो राज सिंह नाम, किसको नौ चौकी बोलते, नौ चौकी बापू ऐसे बोलते, जैसे ऊपर वाला चौका है जाले वाला, दूसरा जाले वाला, तीसरे चौके अपन बैठे हुए, ऐसे ऊपर से चौके जो गिनते हैं, ऐसे ऐसे छते बने हुए, नौ बने हुए चौके बाहर 6 दिखते हैं, एक पे पानी है, फिर 15 साल पहले बिल्कुल खाली होगा, 2 चौके मिट्टी आगे मिलवा गया, यानी ऊपर से ठहर तक 9 चौके, फिर उस पीली बिल्डिंग से लेके माता जी तक ऐसे 9 चौके। चौकों की लंबाई चौड़ाई छोटी बड़ी है, हाइट नीचे सबकी बराबर है, सब 9 चौके बोलते हैं, ऐसे 9 चौक, ऊपर से 9 चौक, फिर हर चौके 9-9 सीढ़ी, फिर हर सीढ़ी की ऊंची 9-9 इंच की, इसलिए इसको 9 चौकी बोलते हैं। ये ऐसे हम दूसरे नंबर के मीठे पानी की झील है। पहला नंबर जयसमन, इन्हीं के बेटे ने बने जय सिंह जी ने, उदयपुर से 50 किलोमीटर दूर सुलंग रोड मासड़ा रोड, दूसरा नंबर अपनी है। 3 छतरी है, 1, 2, 3, तीनों से कला करती है कारीगरी, ये राजस्थान में दूसरे नंबर की है। पहला नंबर दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू, दूसरा नंबर का नहीं है। जब हाउसफुल हो जाते बापू, ये लास्ट के पीछे ये वाटर लेवल, जब यहाँ आ जाता है पहाड़ी जम्बा माता का मंदिर, उसके चरण दुब जाते, पगले दुब जाते, सामने एरिकन बन जाता है पाल, उसे बाहर निकल जाता है और फुल हो जाता है। जब यहाँ तक आता है उसकी 32 फुट की भराव क्षमता है। फिर तालाब के किनारे परिक्रमा देंगे तो 18 किलोमीटर की राउंडिंग है हाउसफुल के बाद। 18 किलोमीटर में फैली हुई है, यस, राउंडिंग परिक्रमा। मैं 65 साल का हूँ, यहीं का जन्म बताया ना बापू, थी यहीं की है मेरी। मैंने 65 साल की उम्र में 2 बार इसको ओवरफ्लो देखा है, 1972 में, दूसरी बार तो आपने भी देखा होगा 2017 में ओवरफ्लो। अच्छा, खास कहाँ के हो? मैं विप्लांद्री। विप्लांद्री ब्राह्मण हो? वैष्णव। ठीक है, अब सुनो, ये मंदिर जी का पहाड़ी जी छोटा सा आपको, हाँ माता जी का, यस, उसमें मूर्त होता है अम्बा माता राणा राय सिंह जी कुलदेव, उसके राइट हैंड में त्रिशूल बना, वो घेवर माता बनिया और धैनी, वो एक पुरुष की नारी, पतिवर्ता नारी, सती नारी, उसने जिंदी समाधि ली। इसके पतिदेव के नाम से इस पहाड़ी में मंदिर बना हुआ, दयालसा का किला। दयालसा और गैरमत है, दोनों पति पत्नी बने थे, जैन कुल में पैदा, दोनों साधु थे, दोनों को यहाँ पे ले गया। इसलिए आपने इधर से आती गोमती नदी, एक तो हिंदुस्तान वाली लखनऊ वाली वो नहीं, 50 किलोमीटर अराल की पहाड़ी से बनी गोमती नदी है। चार भुजा जी, रुकड़े हनुमान जी, लक्ष्मण चूल्हा, रूप नारायण, लोकल गोमती, जिसको हम बोलते छोटी गोमती। ये गोमती ऐसे आती है, ऐसे जाती है। राणा राज सिंह ने पाल बना के इस गोमती नदी को यही रोक दिया। अब ये पाल बन नहीं पाती, रास्ता बनाते हैं, नदी आती टूट जाती, बनाते हैं नदी आती टूट जाती, 12 बार बनाई 12 बार टूट। फिर वहाँ पंडितों ने बोला कि सत्य एक पुरुष की नारी, पति वर्धा नारी, वो जिंदगी समाधि लेगा तब तक ये बंद बनने का, पाल बनने का कोई चांस नहीं। रास्ता 50 आदमी की फौज मारवाड़ की तरफ निकल गया सती की तलाश में, ये अपना मेवाड़ है। पहले आती घोड़े की सवारी थी, जान को शाम पड़ती वही निवास करते, जान को शाम पड़ती वही निवास करते। एक दिन वैसे जगह शाम पड़ी पाली जिले में कंटाड़े गांव में सोजित के पास में, वहाँ उनको शाम पड़ी। उसी कंटाड़े में घेवर माता ने ऊपर वाले दयाल साहब जी दोनों पति पत्नी साधु को भेज वहीं तपस्या करते। इन दोनों पति का नियम था, बस्ती में एक बार जाना, एक घर से भिक्षा मांगना, एक समय भोजन करने का नियम था। जिस दिन वो राजा की फौज गई उसे 2 मुठिया थी। संत लोग बोले पाव सूखा आटा खा, बोले डेढ़ पाव सूखा आटा खा, संत भाषा में उसको 1 मुठिया आटा बोल।
घेर माता दो मुठिया टेकी दोत बनाई, दोत में रोटी का लुहाया तोड़ती वो, जैसे जैसे रोटी का लुहाया तो पत्ती का जाप देती कि ओम पति परमेश्वराय नमः, ओम पति परमेश्वराय नमः, ऐसे करे 85 आदमी को बोलने घाक का दो मुठिया आटा था वो ऐसा कैसा रहा, उसकी दो रोटी बनाई दोनों पति पत्नी ने खाई। फिर दोनों पति पत्नी को यहाँ पे लेके आए, यहाँ आने के बाद घेर माता राजा साहब शरत रखी कि देखो रास्ता अब स्त्री के लिए पति एक परमेश्वर है, मैं मेरे परमेश्वर मेरे परमात्मा को त्याग के मैं जिंदगी से समाधि ले रही हूँ, आपको मेरे पति का नाम अमर करना पड़े कि वो कैसे है कि जितना खर्चा यहाँ करो उतना को उतना खर्चा मेरे पति के नाम से इस पार पे करना पड़े। तो बाबू जितना खर्चा यहाँ किया उसे एक रुपये पर ज़्यादा खत्म किया इनका मान सम्मान रखने के लिए। 9 मंजिल का मंदिर बनाया, अभी 9 मंजिल का मंदिर ने बनाया, जब 9 मंजिल का इनका पतिदेव का नाम लगा दियासरा किला, जिन्हें आदिनाथ भगवान होते, आदिनाथ भगवान की मूर्ति बैठे। फिर इस घेर माता ने अपने हाथों से नींद में पत्थर रखा पीछे जुआ में, उसी जगह नीचे अम्बा माता के पास में जिंदगी समाधि ली। फिर ये पाल बन पाई, फिर एक समय वार में औरंगजेब आया, उसने तोप चली ऊपर वाले मंदिर को 7 मंदिर उड़ा दी, 2 मंदिर खंडर के रूप में रहा, जैन समाज ने सही सलामत किया, अभी 2 मंजिल है वो देखने लायक है। बोलो घेर माता की। तो दोस्तों अभी आप बंसीदास जी के मुख से सुन चुके होंगे कि इस झील का निर्माण महाराज राज सिंह द्वारा कराया गया था। तो आप ये सुंदर कलाकृति देखे, आपको मैं समझ सकता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत ही अच्छा नज़ारा है। आप देख सकते हो पीछे जो कलाकृति बहुत ही शानदार बना गई थी, पुराने जमाने की जो अच्छी बनावट थी बहुत ही शानदार थी, आप देख सकते हो बहुत ही प्यारी बनी हुई है यहाँ पे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए इतना ही।